इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने एक और अर्जी दी है। मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अर्जी दी है और गर्मी की छुट्टियों में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। इस अर्जी में सर्वे के लिए कमिश्नर के साथ दो सहायक कमिश्नर नियुक्त करने की भी मांग है। इस अर्जी में सर्वे में डीएम, एसएसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सफाई कर्मी भेजने की भी मांग है। बड़ी खबर मथुरा से, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने एक और अर्जी दी सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज के वहां, और उसमें मांग की गई है कि गर्मी की छुट्टी में जो विवादित स्थल है उस पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए और सर्वे के लिए कमिश्नर के साथ दो सहायक कमिश्नर नियुक्त किए जाएं। सर्वे में डीएम, एसएसपी, चिकित्सा अधिकारी ये सब भेजने की मांग की गई है। मतलब मथुरा प्रशासन के बड़े अधिकारी भी सर्वे के दौरान जाएं, ये भी मांग की गई है इस अर्जी में। क्या मतलब इसका और इस बारे में और विस्तार से जानकारी देने के लिए अनिल सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता मथुरा से। बताएं अनिल, और क्या जानकारी आपके पास? अनिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी विराजन, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला यहाँ का मथुरा का है। जो शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकंद जन्मस्थान विवाद है, इसको मथुरा के सिविल जज की कोर्ट में एक नई याचिका, एक नया एप्लीकेशन आज दी गई है यहाँ पर। जो 1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण के मंदिर को तोड़ा था, वहाँ मौजूद मूर्तियाँ, बेशकीमती सामान आगरा के लाल किले में यहाँ से ले गए थे, तो उन सब चीजों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो निशान है, उन सब चीजों को इनकी छुट्टियों के दौरान, जो गर्मियों की छुट्टियां कोर्ट की पड़ने वाली है, इसके दौरान इनको खुर्द बुर्द ना दिया जाए, इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाने की, एक कमीशन बनाने की यहाँ पर एक मांग की गई है। तो उसके चलते यहाँ पर इनको छेड़ा ना जाए, इनकी जो भी सबूत यहाँ पर है उनको एज इट रखा जाए, इसके लिए एक नया कमीशन बनाने की यहाँ पर एक बात कही गई है। जी जी अनिल, कल भी इस मामले में कुछ प्रगति हुई, कल का यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर किया गया और आज ये, तो इन सब में मनीष यादव ही पक्षकार है, तो ये माना जाए कि प्रमुख तौर पर जो मुख्य पक्षकार मनीष यादव हैं, ये ही इस मामले को परस्यू कर रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुल टोटल 11 बाद इस तरीके के श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो भूमि है, 13.37 एकड़ भूमि है, वहाँ से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने के 11 बाद अब तक मथुरा की कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। और इसमें मनीष यादव जो है, इन्होंने सर्वे के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर के साथ दो अधिवक्ता सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की जाने की भी यहाँ पर आज इन्होंने मांग की, और एक नई याचिका यहाँ पर एक इन्होंने आज मथुरा कोर्ट में लगाई है, जिस पर कुछ ही समय में अभी सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बना के रखे अनिल, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे जब सुनवाई शुरू होगी। और अब आपको बता दें अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, विधानसभा के पांचवें दिन की कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी, सीएम योगी सदन में करीब 12:30 बजे अपना बयान देंगे, बजट पर भी आज ही चर्चा संभव है, और अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बजट पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसका आज जवाब देंगे दोपहर 12:30 बजे के करीब, और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बजट पर अपनी प्रतिक्रिया आज ही दे सकते हैं। तो ये दोनों चर्चाएं आज हैं और ये दोनों बड़े नेता, एक नेता सदन, दूसरा नेता प्रतिपक्ष, आज सदन में बयान देंगे। आज ही चर्चा बजट पर भी संभव है, यह बड़ी खबर। तो आज एक और महत्वपूर्ण दिन, पांचवां दिन बजट सत्र की कार्रवाई का। तो अब आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। थैली है या अन्य थैलियां हैं, उतना ही उनको कलेक्ट करके डिस्पोजल उसका वो करना होगा, ताकि वो निष्प्रयोग की जाएं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। और वो इसको करती हैं आमतौर पर सीमेंट की फैक्ट्री में, जितना प्लास्टिक वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इकट्ठा करती हैं, नगर निगम से इकट्ठा करते हैं उसको। नहीं नहीं, वो पूछा, ये इसका केवल जवाब दीजिए, जो प्रश्न किया माननीय मंत्री जी, केवल उसका जवाब दीजिए कि 18 से पहले वाली फैक्ट्रियों के ऊपर आपने उनको बंद किया कि नहीं किया, केवल इतना जवाब दीजिए। बता दिया उन्होंने, बता दिया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपकी पीठ से एडमिट कर लिया जाए, इसलिए कि माननीय मंत्री जी द्वारा एक एक कही गई बात या एक तरह से शासन आदेश हुआ, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबको बैन कर दिया गया है 2016 से पहले, इसको एडमिट किया जाए, तो क्या फिर जो मार्केट में हर जगहों पे
मतलब अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध है, फिर वो निर्माण कहाँ से हो रहा है, या तो कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है, वो अवैध चल रहा है, तो या तो देखिए इस बात को माननीय मंत्री जी जवाब जरूर देख लें, क्योंकि आप कानपुर से माननीय अध्यक्ष जी हैं, आप उसको भली बात आप जानते भी हैं, तो इसको माननीय मंत्री जी इसको जल्दबाजी में ये ना हो जाए कि मंत्री जी सब कुछ जब बहन है, जब सब है, इसलिए दूसरा इसमें एक चीज और इसमें है, क्या ये आपको ये भी जानकारी है कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक मटेरियल है नेपाल से भी आयात होता है? जी हाँ होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उधर से भी आता है, उसके अलावा और स्टेट से भी आ जाता है। जाता है जब हम प्रतिबंध लगाए हैं तो हम तो उसी की बात लेके आ रहे हैं कि हमारा तो आप कह रहे हैं कि हम सारी 2016 से पहले जितने लाइसेंस दिए गए थे हमने सारा उसको बंद कर दिया है, आपने कर दिया, हालांकि ये उत्तर मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, मेरे पास सूचना है उसकी, विस्तृत में जाने पे हम बता देंगे आपको, अभी सबको निरस्त नहीं किया गया है, कुछ लिटिगेशन में है और कुछ अभी चल भी रही है, तो ये चूंकि जो हमारे जैसे मान लीजिए आपने अभी एडमिट किया कि नेपाल से भी आ रहा है, हम जानते हुए भी कि नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है, तो क्या हम इसे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? हम नहीं अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो केवल ठेले वालों को बंद करके उन पर कार्रवाई करने से क्या फायदा होगा? ठीक हमें